आज भी इतनी देर से आना था? पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। आज ऑफिस में काम ज्यादा था, इस वजह से लेट हो गया। मेरे जन्मदिन से ज्यादा आपको ऑफिस का काम जरूरी है? शादी के बाद पहला जन्मदिन बना रहे हैं? यस बेबी, समय कितनी जल्दी से निकल गया पता ही नहीं चला। शादी को एक साल पूरा होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है हम अभी मिले हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। चलो अब जल्दी जन्मदिन मनाते हैं। तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करके मजा आ गया। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी तो लाइफ ही बदल गई। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ हम हर साल दोनों ऐसे ही जन्मदिन मनाएं। तुम सही कह रही हो, समय बहुत हो गया, चलो अब खाना खाते हैं। ठीक है। वानी, आज मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं शाम को ऑफिस से ही निकल जाऊंगा। ठीक है जानू, अपना ध्यान रखना। बाय। हाय, कैसे हो? आई एम फाइन। मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। हाँ मैंने आपकी कॉल देखी थी लेकिन मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाई। ऐसा क्या हो गया? वो कुछ खास नहीं, बस मेरा बर्थडे था। वैसे एक बात बताऊं, जब विक्की तुम्हारे पास होता है तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता। हाँ हाँ वो तो है। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ। वाणी, 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 अरे तुम यहाँ कैसे? क्यों डर गई क्या? और सुनाओ। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ परेशान से लग रही हो। नहीं तो मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी परेशानी क्या है जो छुपा रही हो? बहुत देर से देख रहा हूँ कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, बताओ क्या बात है? यार कुछ समय से लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, इसी घर में सुबह से शाम और रात से दिन ऐसे ही निकल जाता है। शादी से पहले कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने, सब खाक में मिल गए। पर अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये सब बोल रही हो? कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा, बताने से ही तो किसी बात का सोल्यूशन निकलेगा। विक्की मेरी खुशियों के बारे में सोचता ही कहाँ है, वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे मुझे खरीद लिया हो। हर समय लेक्चर देता रहता है, मैं तो परेशान हो गई, समझ नहीं आता क्या करूं। अब इसमें क्या हो गया, फोन पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? यार पता नहीं आजकल खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने लगता है। ऑलराइट, अब मैं चलता हूं, काफी समय हो गया है, बाकी फोन पे बात करेंगे। तुम इस समय सब ठीक तो है? तुम तो ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे, तो अचानक से वापस कैसे आ गए? हाँ सब ठीक है, वो क्या है कि बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने तुम्हें फोन करके बताने की कोशिश भी की थी पर तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। कैंसिल हो गया? अच्छा तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
विक्की मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। ठीक है सो जाओ। किसी और लड़के से बात करती है। लो जी, मैंने आपके पसंद के पराठे बनाए हैं। थैंक यू। पराठे कैसे लगे? कभी तो तारीफ कर दिया करो। हाँ टेस्टी है। ओढ़ लाऊं? अरे नहीं नहीं, आज मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मेरा बैग ला के दो, मैं लेट हो रहा हूँ। वापिस आओगे फिर घूमने चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है मैं आपका बैग लाती हूँ। अरे जल्दी ला दो। लो जी बाय। कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, फोन नहीं उठा सकते क्या मेरा? अरे वो विक्की था ना मेरे पास। इतनी देर? हाँ आज वो ऑफिस देर से गए। पता नहीं इस खड़ूस से कब पीछा छुटेगा तुम्हारा। हाँ सही कह रहे हो तुम। पीछा छुड़वाने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? वो तुम्हें घुमाने ले जाने वाला है और उसका रास्ते में ही मर्डर करवा दो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, अगर फंस गए तो। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो, मैं वहां लड़के भेजकर उसे, ठीक है? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं? आसान सा तरीका है, जैसे तुम घर से निकलो मुझे फोन करके बता देना। हाँ ये ठीक है, जैसे ही मैं घर से निकलूंगी तुम्हें कॉल कर दूंगी। ओके बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो राजपाल, हम यहाँ से निकल रहे हैं और आप लोग आ जाओ जल्दी। आए जी। अरे वाणी जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ जी आई। यार राजपाल तो नुगरा विक्की घर से चल दिया, वो अब तक भी नहीं आया। हाँ यार अब तक आ जाना चाहिए था साड़ा को। अरे काहे को टेंशन ले रहा, साड़ा आओगे तो इसी रास्ते को। अरे बच के कहाँ जाएगा साड़ा। ले आ लिया। अरे मगर इतनी जल्दी कहाँ की है, दो बात मारते भी कर ले। जाने मन, कभी हमारे साथ भी चल दिया कर।
मेरी जान कदई जहर लग रही जहर। अरे ओ सालो कौन हो तुम और क्यों अपनी दही दबवाने को फिरो? दही तू दबेगा मारी, दही तो हम दबेंगे तेरी और वो भी बढ़िया डाल। अरे ओ सालो क्यों थारा समय खराब आ रहा? शकल देखी तुमने अपनी? बने फिरो बदमाश। शकल शकल तो हम बिगाड़ेंगे तेरी। अरे तुम ऐसा ना मानो, वाणी उतरिए नीचे। हाँ भाई अब बताओ अपनी परेशानी। वाणी 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 वाणी। अरे तुम, अरे इतने अचंभे से क्यों देख रही हो? अब तो हमेशा तुम मुझे ही देखोगी। तुमने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है। मुझे नशे में देख के डर रही क्या जाने मन? लेकिन तुमने ज्यादा शराब पी है, तुम होश में नहीं हो। प्लीज जाओ आप यहाँ से। आओ मेरे साथ जाने मन। नहीं नहीं हटो यहाँ से। तुम तो मुझे अभी से धक्का देने लगी। छोड़ो। छोड़ दूँ? ऐसे कैसे हट जाऊं? ऐसे कैसे हट जाऊं? तूने मुझे थप्पड़ मारा? क्या गलती होगी थी मुझसे जो इतना बड़ा कदम उठाने चली? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे फोन में मैंने तुम्हारी और राजपाल की सारी रिकॉर्डिंग सुन ली थी और मुझे सब पता चल गया था कि तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो। प्लीज विक्की मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये मर्डर किसने किया? मैं बताती हूँ किसने किया। ये शराब पी के मेरे घर पे आ गया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। वो तो मेरे पति ने मेरी जान बचा ली।
फिर क्या हुआ? और खुद की जान बचाने के चक्कर में इनके चाकू लग गया। ये तो तुम ठीक कह रही हो, खुद की जान बचाना कोई गुनाह नहीं है। मैं इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ और तुम्हें थाने आना पड़ेगा।